प्लांट्स में जिस वाइन की आज बात करने लगे हैं उसका नाम है बैलून वाइन। बैलून वाइन जो है ये सीजनल काउंट की जाती है, क्योंकि एक दफ़ा जब इस पे सीड्स बन जाते हैं तो उसके बाद जो है ये वाइन जो है ख़त्म होने लग जाती है। तो इस टाइम जो ये मेरी वाइन है आप देखें तो इस पे भी सीड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, इसके भी जो है बीज बनने लग गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है बैलून की फॉर्म में जो है इसके सीड्स बन रहे हैं। इस साइड पर अगर हम चेक करें तो ये इनके फ्लावर्स हैं, यही फ्लावर जो है बाद में पॉलिनेट होंगे और पॉलिनेट होने के बाद जो है ये ऐसे बैलून बनने लग जाएंगे। अभी बैलून्स का इनका साइज़ छोटा है, अगर आप देखो तो ये सबसे छोटे साइज़ का बैलून बनना स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे ऐसा बैलून का जो साइज़ है ये बड़ा होता जा रहा है। आप ये देखें यहाँ पर भी आपको एक ये सबसे बड़े साइज़ का बैलून नज़र आ रहा है। ये वाइन जो है ये भी मैंने सीड से ग्रो की थी और इसको मैंने जो है लगा दिया था फेब्रुअरी में मैंने इसको लगाया था और अब आप देखें तो इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है और सीड्स भी बनते जा रहे हैं। अब जब इस एक बैलून को मैं खोलूँगा ना तो इसके अंदर से मिनिमम 3 सीड्स जो हैं वो निकलेंगे, लेकिन ये है कि ये अभी बहुत छोटे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन इतना हो जाएगा एक जो है बैलून, और वो बैलून जो है जब स्किन से कलर का हो जाएगा, गोल्डन से कलर का हो जाएगा, तो फिर हम इसको तोड़ेंगे और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर से सीड्स निकलेंगे जो कि ब्लैक कलर के होंगे और एक किनारा उनका वाइट होगा। उन सीड्स को फिर कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है ये दोबारा से लगाए जा सकते हैं। इनको लगाने का वैसे तो सारा साल ही है, लेकिन बस शदीद सर्दी में ये ग्रो नहीं होते, बाकी सारा साल ये ग्रो होते रहते हैं। आप इनको एक दफ़ा घर में ले आएँ, एक दफ़ा इनके सीड्स बन जाएँ और उसके बाद बस ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी बैलून वाइन जो है अपने यूफोर्बिया के प्लांट के ऊपर ही चढ़ा दी हुई है। अगर आप इसको ऊपर तक देखें तो ये होती हुई चढ़ती चली जा रही है, ये यहाँ तक, ये यहाँ पर ऊपर तक आ चुकी हुई है इस टाइम। तो ये तकरीबन 7-8 फुट का जो है मेरा ये यूफोर्बिया का एक प्लांट है और इसके ऊपर ये यहाँ तक आ चुकी हुई है और सब जगह पर फ्लावरिंग हो रही है। फुल सन में ये रहती है, बस ये एक चीज़ देखनी है कि फुल सन में अगर है तो आपको इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये ड्राफ्ट टॉलरेंट बिल्कुल नहीं है। इस पर जो है फ़ौरन से जो है लीफ शेड स्टार्ट हो जाएंगे, येलो होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ख़त्म हो जाएगी वाइन, क्योंकि अभी आजकल सीड्स बन रहे हैं तो इसके पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है और ये इसी दौरान ही सबसे खूबसूरत लगती है जब इसके ऊपर सीड्स बन रहे होते हैं। आप ये देखिए बैलून की फॉर्म में ऐसे कुशन लग रहा है, ऐसे जैसे कुशन होता है, इसके अंदर एयर फील्ड है। ये देखिए ये कुशन ऐसे लग रहा है जैसे कुशन है, तो ये बैलून सा बना हुआ है, इस वजह से ही इसको बैलून वाइन कहा जाता है। तो ये एक दफ़ा मुझे सीड्स गिफ्ट मिले थे, उसके बाद से मैंने जो है इनको लगा लगा के सबको इतने गिफ्ट भी किए हैं, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होते और ये प्यारे भी बहुत लगते हैं। मैं इनको मुसलसल लगाता रहता हूँ, अभी ये ख़त्म हो जाएगी फिर दोबारा सीड्स लगा दूंगा, फिर दोबारा लग जाएंगे और सारा साल चलता चला जाता है। लेकिन फेब में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसका बेसिक सीज़न जो है वो फरवरी ही होता है, जनवरी का एंड या फरवरी का स्टार्ट, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। उसके बाद जो है ये अब आजकल चूँकि अप्रैल का एंड है तो आप देखें तो ये अब सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। मिड मई तक जो है ये आप देखेंगे तो मैं हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ, उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये मैंने किस में लगाया, अगर आप देखें कंटेनर की बात करें, मैंने कोई फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं किया, बस वो ये है कि भल मिट्टी के अंदर इसको लगाया हुआ था मैंने। तो कंटेनर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये शुरू हो रहा है, वाइट कलर का थर्मोकोल का कंटेनर है जिसमें मैंने लगाया और इसमें मैंने मल्टीपल गार्डनिंग की हुई है। इसमें मैंने बहुत सारे मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड्स लगाए हैं जो कि ग्रो हो चुके हैं, और उसके अलावा मैंने ये सनफ्लावर के सीड्स थे, मुझे रास्ते में एक प्लांट दिखा, मैंने उसका एक फ्लावर तोड़ लिया और उससे मैंने कुछ सीड्स लगा दिए। तो अब आप ये देखें वही सीड से लगाया प्लांट जो मैंने विंटर में लगाया था, अब समर में वो उस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इस पर भी अलग से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी चूँकि हम बैलून वाइन की बात करें तो हम वापस उसी पर आ जाते हैं। ये आपको जो है बस इसको मिट्टी में लगा दें, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल भी है तो उसमें भी आप इसको लगा दें, एक बार ये ग्रो कर जाए उसके बाद ये खुद ही चलती चली जाती है। बस आपको इसका पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पानी का ख्याल नहीं रखते तो एक से दो दफ़ा लीव मुरझाएंगे और उसके बाद येलो होकर शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये इनके साथ होता है प्रॉब्लम। बस बाकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और आप देखें आप भी इसको लगाएं अपने घर में तो आप भी इसी तरह से ये बैलून्स इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है मेरे गार्डन का ये व्यू आई कैचिंग बना हुआ है। मजीद कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना है।